आकाशवाणी की ओर से प्रस्तुत है कारोबार बंबई द्वारा निर्मित रेडियो धारावाहिक देवी चौधरानी की 5वीं कड़ी। बंधु सुनो, बंधु सुनो, बंधु सुनो, सुनो बंधु बंग भूमि की कहानी, जहाँ हुई देवी चौधरानी। ओगो बंधु सुनो, सुनो बंधु बंग भूमि की कहानी, जहाँ हुई देवी चौधरानी। ऋषि बंकिम ने जिसकी महिमा है बखानी, त्यागमयी देवी चौधरानी। ओगो बंधु सुनो, बंधु सुनो, शक्ति का अवतार नारी जिसका रूप भवानी, शक्ति का अवतार नारी रूप भवानी, जिसका रूप भवानी दुर्गा बनी देवी चौधरानी। माँ दुर्गा बनी देवी चौधरानी। अब अनाथ हो गई, अब अनाथ हो गई, पूर्व ही वो ससुराल से हुई तिरस्कृत। प्राण चौधरी के नायब ने फूलमणि से मिलकर अपहृत किया प्रफुल्ल मुखी को और ले चले रात्रि में निर्जन पथ पर। क्षेत्र डाकुओं का था, घना अंधेरा था, गति तेज चाल की। दो पथिकों को डाकू समझ छोड़कर भागे वहीं पाल की। उधर भेंट करने प्रफुल्ल से उसके गांव ब्रजेश्वर आया, इधर प्रफुल्ल को एक मृतप्राय वृद्ध के निकट भाग्य ले आया। बंधु सुनो, बंधु सुनो, बंधु सुनो, सुनो बंधु बंग भूमि की कहानी, जहां हुई देवी चौधरानी। ओगो बंधु सुनो, सुनो बंधु बंग भूमि की कहानी, जहां हुई देवी चौधरानी। ये कौन है, इतनी सुंदर, इतनी सुशील कन्या? माँ, ओ माँ, माँ इधर कहाँ जाओगी? जी जी, मैं बाजार जाऊंगी। देखो माँ, बाजार जाने में तो अधिक समय लग जाएगा, एक पहर से भी अधिक, फिर तुम अकेली जा भी नहीं पाओगी। जानती नहीं, यहाँ चोर डाकुओं का निवास है, हर कदम पर उनके हाथों में पड़ जाने का डर रहता है। जी, मैं यहाँ मेरी एक छोटी सी दुकान है, यदि इच्छा हो तो वहां से चावल दाल खरीद सकती हूँ। आपकी दुकान? लेकिन माथे पर चंदन का टीका, शरीर पर राम नामी चादर, आप तो पंडित मालूम पड़ते हैं, फिर दुकान? पंडित अनेक प्रकार के होते हैं माँ, भय ना करो, आओ मेरे साथ, चलो आओ। ये रही मेरी कुटिया। ये दुकान तो नहीं, आपका निवास स्थान जान पड़ता है। फिर भी उन हांडियों में चावल दाल नून तेल काफी मात्रा में भरे हैं, तुम जितना ढोकर ले जा सकती हो ले जाओ। लेकिन इन्हें ले कैसे जाओगी, तुम्हारे पास तो बस एक
एक ये छोटा सा थैला है। जी मैं अपनी जरूरत के अनुसार इसी में सामान रख लूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। हाँ हाँ हाँ, उसी में चावल है और उसके पास वाली हांडी में दाल है। अच्छा। और वो वहाँ जो वो रखा है ना बर्तन, उसमें नून भी मिल जाएगा। लेकिन तेल कैसे ले जाओगी? अच्छा, तेल के लिए मैं तुम्हें एक शीशी देता हूँ, या चाहो तो वो जो कोने में पात्र पड़ा है उसे भर लो। अच्छा, बस इतना मेरे लिए पर्याप्त है। दाम कितना हुआ? कितना होगा दाम? बस एक आना। किंतु मेरे पास आना नहीं है। रुपया है? लाओ रुपया दे दो, बाकी पैसे मैं वापस कर दूंगा। देखिए मेरे पास रुपया भी नहीं है। रुपया भी नहीं है? तो बाजार क्या लेकर जा रही थी? जी मेरे पास एक मोहर है। मोहर है? अच्छा देखूं। बहुत पुरानी लगती है, काफी भारी है, लेकिन मोहर भुनाने लायक पैसा तो मेरे पास नहीं है। फिर कैसे होगा? मैं अच्छा एक काम करते हैं। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ, मुझे वहाँ पैसे दे देना। लेकिन मेरे पास घर पर भी पैसा या रुपया नहीं है। क्या सभी मोहरे हैं? खैर कोई बात नहीं, चलो देखाओ, जब पैसा होगा तब दे देना। तुम्हें आने का कष्ट नहीं करना होगा, मैं स्वयं आकर ले लूंगा। क्यों, किस सोच में पड़ गई? सोच रही हो कि ये चतुर ब्राह्मण समझ गया कि तुम्हारे पास केवल मोहरे ही मोहरे हैं, इसलिए घर देखने जाना चाहता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर सारी चीजें तुमने जमीन पर क्यों रख दी? लगता है मुझे बाजार ही जाना पड़ेगा, कुछ कपड़ों की भी जरूरत है। मेरे पास और कपड़े नहीं है, वो बाजार में ही मिलेंगे, और जब बाजार जाना ही है तो फिर ये सारी वस्तुएं भी वहीं से ले लूंगी। माँ सोचती हो कि मैं तुम्हारा घर देखकर मोहरे चुरा लूंगा, तो क्या बाजार जाकर मुझसे पीछा छुड़ा पाओगी? मैं तुम्हारा पीछा ना छोड़ूंगा तो तुम छुड़ाओगी कैसे? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने समझा आप ब्राह्मण पंडित हैं, क्या इसलिए छल कपट करके मुझे यहाँ लाए थे? मैं तुम्हारे साथ छल नहीं करूंगा, ना ही तुम्हें कपट से यहाँ लाया हूँ। तुम मुझे पंडित समझो या कुछ और, मैं डाकुओं का सरदार हूँ। तुमने भवानी पाठक का नाम सुना है? मैंने भवानी पाठक हाँ सुना है, मैंने सुना है, दुर्गापुर में ही सुना है। ऐसा कौन है जिसने उस विख्यात डाकू का नाम ना सुना हो? उसके भय से तो सारी वरेंद्र भूमि कांपती है। मैं वही भवानी पाठक हूँ, विश्वास ना हो तो देखो, मैं भीतर की कोठरी में पड़े नगाड़े पर चोट करता हूँ, फिर देखना क्या होता है। अब कुटी से बाहर जाकर वहां का दृश्य देखो, वहां लगभग 50 काले काले यम के समान जवान लाठी भाले लिए खड़े होंगे। आओ देखो। ओ मां, ये तो सचमुच यमदूत दिखते हैं। क्या गया है? देखो सब लोग इस बालिका को पहचान लो, मैंने इसे मां कहा है, तुम सब भी इसे मां कहना और मां की तरह मानना। तुम लोग इसका कोई अनिष्ट मत करना, ना ही किसी को करने देना। जी जो आ गया। माँ आप निर्भय होकर इस वन में विचरण कर सकती हैं, यहाँ आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। अच्छा अब तुम लोग जाओ, मैंने मात्र तुम लोगों को यही सूचना देने के लिए बुलाया था। क्यों माँ बोलो, अब तो तुम्हें किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं रही ना? चलिए मैं आपको अपना घर दिखा दूं। चलो मैं कुटिया में से खाने पकाने की सामग्री उठा लाऊं। हाँ।
अच्छा, तो ये है तुम्हारा घर। इसी ध्वस्त खंडर में तुमने मोहरे पाई हैं? जी हाँ। बहुत साहसी हो माँ, तुम्हारे साहस और तुम्हारे जिगर की प्रशंसा करनी पड़ेगी। समय और स्थितियाँ सब कुछ सिखा देती हैं बाबा। कितना धन मिला है? बहुत। फिर भी कितना? देखो, मुझे धोखा देने की चेष्टा करोगी तो मेरे आदमी आकर खोद कर देख लेंगे। आपको धोखा क्यों दूंगी? अब तो मैं आपकी शरण में आ चुकी हूँ, और फिर जो स्वयं धोखा खा चुका हो वो दूसरों को कैसे धोखा दे सकता है? आप जानना चाहते हैं कि मुझे कितना धन जमीन के नीचे गड़ा मिला है, तो सुनिए। मोहरों, माणिक मोतियों और हीरे जवाहरात से भरे 20 घड़े मुझे मिले हैं। अच्छा, ये धन लेकर तुम क्या करोगी? घर ले जाऊंगी। रख सकोगी इतना धन? हाँ, क्यों नहीं, यदि आपकी सहायता हो तो। देखो, इस वन पर तो मेरा पूरा अधिकार है, लेकिन इसके बाहर मेरी उतनी शक्ति नहीं है। सच तो ये है कि इस वन के बाहर धन ले जाने पर मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तब तो मैं इस अपार संपत्ति को लेकर जंगल में ही रहूंगी। यहाँ तो आप रक्षा करेंगे ना? जरूर करूंगा, किंतु सोचता हूँ कि इतना धन लेकर तुम करोगी क्या? धन पाकर लोग क्या करते हैं? भोग करते हैं। तो मैं भी भोग करूंगी। क्यों, क्या हुआ? आप हंसते क्यों हैं? माँ, तुम्हारी बच्चों की सी बातें सुनकर हंसी आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले राह में तुमने बताया कि तुम्हारा कोई नहीं, आत्मीय सगा संबंधी कोई भी नहीं, फिर तुम किसके साथ इस धन का भोग करोगी? अकेले क्या ऐश्वर्य भोग होता है? क्यों, सिर क्यों झुका लिया अम्मा? चुप क्यों हो गई? मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं सूझ रहा है ना? सुनो, कोई कोई लोग ऐश्वर्य पाकर भोग करते हैं, कोई पुण्य संचय करते हैं, और कोई नरक का रास्ता साफ करते हैं। आंखें फैलाकर क्या देख रही हो? सच तो यह है मां कि तुम भोग नहीं कर सकती, कारण तुम्हारा कोई नहीं है। ऐसी हालत में या तो तुम पुण्य संचय कर सकती हो या फिर नरक का मार्ग अपना सकती हो। बोलो, तुम्हें कौन सा रास्ता पसंद है? अरे बोलो, तुम तो साहसी लड़की हो। ये बातें तो डाकू के सरदार कैसी नहीं है बाबा? आप कौन हैं? मैं भवानी पाठक, वही जिसके आतंक से सारा इलाका, यहाँ का सारा अव्यवस्थित शासन भी थर थर कांपते हैं। क्यों, विश्वास नहीं होता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा मतलब है, आप क्या हैं? मात्र डाकू तो नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी समझ की प्रशंसा करता हूं, तुमने ठीक कहा। मैं केवल डाकुओं का सरदार नहीं हूं, और फिर तुम्हारे लिए तो मैं वो भी नहीं हूं। मैंने तुम्हें मां कहा है, इसलिए इस समय जिसमें तुम्हारा लाभ होगा वही करूंगा। धन का भोग तुम कर नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा कोई नहीं है। या तो तुम पाप कर सकती हो, खूब पाप कर सकती हो, या फिर पुण्य कमा सकती हो। बोलो, क्या करना चाहती हो? यदि कहूं पाप ही करूंगी तो मैं अपने आदमियों से तुम्हारा धन तुम्हारे साथ जंगल के बाहर भेज दूंगा। इस प्रक्रिया में मेरे बहुत से अनुचर धन के लोभ में तुम्हारे साथ पापाचार करने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए तुम्हारी ऐसी इच्छा होने पर मैं तुम्हें इसी क्षण अभी तुम्हें विदा करना अपना परम कर्तव्य समझता हूं। मेरे साथ यदि आप मेरा धन भेज ही देंगे तो इसमें मेरा क्या नुकसान है? रख पाओगी ये सारा कुछ? तुम रूपवती हो, युवती हो, डाकुओं के हाथ से छुटकारा पा सकती हो, किंतु रूप और यौवन से छुटकारा नहीं पा सकती। पाप की लालसा पूरी नहीं होगी इसके पहले ही धन खत्म हो जाएगा। धन कितना भी क्यों ना हो, खत्म होने में अधिक समय नहीं लगता। उसके बाद क्या? नरक का रास्ता साफ। लालसा कभी नहीं मिटती, लालसा रहेगी किंतु उसकी तृप्ति का उपाय नहीं रहेगा। यही स्थिति तो नरक का रास्ता होगा।
पुण्य संचय करोगी? बाबा, मैं तो पाप पहचानती भी नहीं, सो मैं पाप करने क्यों जाऊंगी? मैं एकदम कंगाल हूं, वर्षों से मुझे भर पेट भोजन और दो वस्त्र भी नसीब नहीं हुए हैं, सो मुझे रोटी कपड़े के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, बस किसी तरह दिन बीत जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा, ये सब धन तुम ले लो, मेरे लिए एक मुट्ठी अन्न का प्रबंध कर देना, बस। मां, धन तुम्हारा है, मैं नहीं लूंगा। नहीं लेंगे? किंतु क्यों? देख रही हूं आप डाकू नहीं, एक परम ज्ञानी पुरुष हैं। आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए कि मैं क्या करूं। शिक्षा देने में 5-7 वर्ष लगेंगे, यदि चाहो तो मैं सिखा सकता हूं, किंतु शर्त यह है कि 5-7 वर्षों तक तुम्हें यह धन छूना भी ना होगा। हाँ, किंतु मैं खाऊंगी क्या? मेरी तुम्हें खाने पहनने का कोई कष्ट नहीं होगा, तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं करता रहूंगा, किंतु मैं जो कहूंगा वो बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी प्रतिरोध के तुम्हें मानना पड़ेगा। रहूंगी कहाँ? यही, इसी खंडहर में। यहां का ये टूटा फूटा कुछ मरम्मत करा दूंगा। यहां मुझे अकेली रहना होगा? नहीं, अकेली नहीं रहना होगा, मैं 2 औरतें भेज दूंगा, वे तुम्हारे पास रहेंगी, तुम्हारी देखभाल करेंगी, डरना मत, इस जंगल का मालिक मैं हूं, मेरे रहते तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। और वो शिक्षा, आपकी शिक्षा कैसी होगी? तुम पढ़ना लिखना जानती हो? नहीं, उसका तो अवसर भी नहीं मिला। तो फिर पहले तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। क्यों, पढ़ोगी ना? ये ना समझना कि अब इस उम्र में पढ़ाई लिखाई क्या और कैसी। ठाकुर। अच्छा मां, मैं चलता हूं। ठाकुर, आपको ढूंढता हुआ यहां आया, किंतु आप यहां कैसे आए नीलांबर देव के इस खंडहर में? इतने दिनों से जो ढूंढता था आज पा गया। कौन? राजा? रानी। राजा रानी खोजने की अब आवश्यकता नहीं है देवता, अब तो अंग्रेज राजा हो रहे हैं। सुना है कलकत्ते में कोई हस्टिन साहब अपना राज्य कायम कर रहा है। हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन मैं वैसा राजा नहीं खोजता था, मैं जो खोजता था तुम्हें तो मालूम ही है। आ गए? वो पाने लायक वस्तु अभी तो नहीं है, खुद तैयार करना। ईश्वर कच्ची सामग्री के रूप में मनुष्य को लोहा देता है और मनुष्य तलवार गढ़ लेता है। इस्पात पा गया, अब 5-7 वर्षों में उसे गढ़ना पड़ेगा। तो फिर हमारे लिए क्या आ गया है? देखना रंगराज, इस घर में मेरे सिवाय कोई पुरुष घुसने ना पाए, कारण कि लड़की युवती और अत्यंत सुंदर है। गोबरा की माँ और निशी यहाँ रहेंगी। जी अच्छा। आज से मैं तुम्हारे अध्यापक का स्थान ले रहा हूं मां। पिछले 1 वर्ष में तुमने अपनी कुशाग्र बुद्धि, कठिन परिश्रम और दृढ़ मनोबल का विलक्षण परिचय दिया है, मैं तुम्हें साधुवाद देता हूं। मैं नहीं जानती कि मेरी बुद्धि कितनी कुशाग्र है ठाकुर, किंतु मैं कठिन परिश्रम कर सकती हूँ। निशी ने अब तक मुझे जितना कुछ सिखाया पढ़ाया है उसे मैंने आत्मसात करने का भरसक प्रयत्न किया है। मुझ में इतना आत्मविश्वास है कि आप जैसी शिक्षा मुझे देंगी उसे पूर्ण रूप से ग्रहण करने की चेष्टा अवश्य करूंगी। तुमने भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल का थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब मैं तुम्हें व्याकरण की शिक्षा देना चाहता हूँ। हमारे शास्त्रकारों में अनेक नाम है जिनकी कृतियां पढ़ने का अवसर तुम्हें मिलेगा, किंतु भाषा और साहित्य को संस्कार व्याकरण से प्राप्त होता है, अतः
हमारे यहाँ वर्षों से व्याकरण शास्त्र से ही अध्ययन प्रारंभ करने की परिपाटी चली आ रही है। पाणिनि एक ऐसे व्याकरण हुए हैं जिनकी कृति हमारी देवभाषा संस्कृत को अनंत काल से गति और स्वरूप देती आई है। जिस प्रकार स्वस्थ मस्तिष्क शरीर के विभिन्न अवयवों का संचालन करता है, उसी प्रकार व्याकरण भाषा को परिष्कृत करके उसे गतिमान बनाता है। किंतु इसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं तुमसे एक और विद्या के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। वो क्या है? तुम्हें मल्लयुद्ध भी सीखना होगा। मल्लयुद्ध? हाँ, मल्लयुद्ध। क्यों, आश्चर्य क्यों हो रहा है? ठाकुर, और जो कहो सीखूं, किंतु ये ना सीख सकूंगी। नहीं माँ, इसके बिना काम ना चलेगा। क्यों ठाकुर, स्त्री मल्लयुद्ध सीखकर क्या करेगी? इंद्रियों पर विजय पाने के लिए यह विद्या आवश्यक है प्रफुल्ल। दुर्बल शरीर से इंद्रियों पर विजय पाना संभव नहीं। व्यायाम के बिना अपने शरीर तथा अपने मन पर विजय असंभव है। लेकिन मुझे मल्लयुद्ध सिखाएगा कौन? किसी पुरुष से तो मैं मल्लयुद्ध नहीं सीखूंगी। मल्लयुद्ध तुम्हें निशी सिखाएगी, जानती हो ना, वो बच्चे पकड़ने वालों के यहाँ पली है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखा है कि वे लोग बलिष्ठ लड़कियों को अलग नहीं रखते, उनके साथ रहकर बचपन में निशी ने व्यायाम सीखा है। ये सब सोच समझकर ही मैंने निशी को तुम्हारे पास रखा है। बोलो, अब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं? आपत्ति करने का मार्ग अब कहाँ है ठाकुर? मुझे आपका विश्वास और स्नेह मिलता रहा तो मैं आपके साचे में अपने को पूर्ण रूप से ढालने की चेष्टा करूंगी। साधुवाद माँ, अगले 4 वर्षों तक निशी तुम्हें मल्लयुद्ध की शिक्षा देगी। आओ माँ, मेरे साथ महान वैयाकरण पाणिनि की वंदना करो। ॐ वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आई उन, आई उन, रिल रिक, रु, रु, रिक, रिल रिक, रिल रिक, ए ओंग, ए ओंग, आई आउच, आई आउच, आई आउच, आई आउच, हाय वरट, हाय वरट, लन, लन। वृद्धिरादैच, 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 हाँ, वृद्धिरादैच, अदेङ्गुणः, अदेङ्गुणः, इको गुणवृद्धि, इको गुणवृद्धि, इको गुणवृद्धि, इको गुणवृद्धि, न धातुलोप अर्धधातुके, न धातुलोप अर्धधातुके। वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम अथ योगानुशासनम्, ओम अथ योगानुशासनम्, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। ओम अथ योगानुशासनम्, ओम अथ योगानुशासनम्, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। Thank you.
प्रथम सूत्र में महर्षि पतंजलि ने योग के साथ साथ अनुशासन पद का प्रयोग करके योग शिक्षा की अनादिता सूचित की है और अथ पद का प्रयोग करके योग आरंभ करने की प्रतिज्ञा करके योग साधना की कर्तव्यता सूचित की है। दुखेषु अनद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीः मुनिः उच्यते। अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक देवी चौधरानी की पांचवी कड़ी। इसके कलाकार थे आनंद मिश्रा, मानसी उपाध्याय, कुमार राम प्रवेश और अन्य। मूल बंगला उपन्यास के लेखक स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रेडियो नाट्य रूपांतर केशव पांडे, गीत रविंद्र रावल, संगीत पंडित रघुनाथ सेठ, गायक संजीव कुमार चैटर्जी, सूत्रधार विजय चौधरी, ध्वनि अंकन अविनाश मोने, निर्माता कारोबार बंबई और निर्देशक सूरज पुरोहित। धारावाहिक की छठी कड़ी लेकर हम उपस्थित होंगे इसी समय। कल इसी समय इस धारावाहिक की छठी कड़ी प्रसारित की जाएगी।